मैं वीरेंद्र पांडे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा। पिछली कक्षा में हम लोगों ने शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के संबंध में विधिवत अध्ययन किए थे और आज इस कक्षा में भी उसी टॉपिक का शेष भाग के बारे में अध्ययन करेंगे, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन। पिछली कक्षा में हम लोगों ने यह भी चर्चा किया था कि निर्देशन तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के: व्यक्तिगत निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन और शैक्षिक निर्देशन। ये तीन है इनके प्रकार। बताए भी थे कि व्यक्तिगत निर्देशन क्या है, व्यावसायिक निर्देशन क्या है और शैक्षिक निर्देशन क्या है। तो व्यक्तिगत निर्देशन व्यक्ति की रुचियों एवं क्षमताओं को समझने, उन्हें यथासंभव विकसित करने, उन्हें जीवन लक्ष्यों से जोड़ने एवं उसे समाज के का एक वांछित सदस्य होने के नाते उन्हें व्यक्तिगत एवं सामाजिक रूप से सुसमंजित होने में मदद करना ही व्यक्तिगत निर्देशन कहलाता है। व्यक्तिगत निर्देशन बतलाए थे। इसी तरह व्यावसायिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन क्या है? तो व्यावसायिक निर्देशन व्यक्ति द्वारा किसी व्यवसाय को चुनने, उसमें प्रवेश करने, उसमें कुशलता लाने एवं उसमें जो कंपटीशन की भावनाएं व्यापार में है, उसमें अपने को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने में मदद करना ही व्यावसायिक निर्देशन कहलाता है। यानी व्यावसायिक निर्देशन, व्यवसाय को कौन सा व्यवसाय किस व्यक्ति के लिए सटीक होगा, तो व्यवसाय को, व्यवसाय का चयन करने, व्यवसाय में प्रवेश करने, व्यवसाय के सारी व्यवस्थाओं को समझने और उसमें निपुणता प्रदान करने में वास्तविक रूप से मदद करना ही व्यावसायिक निर्देशन कहलाता है। इसी तरह शैक्षिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन क्या है? तो शैक्षिक निर्देशन व्यक्ति के शैक्षिक कार्यक्रमों को नियोजित करने, उन्हें बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने और विषय के चयन करने, इसके साथ ही अपने को इस रूप में रखने ताकि समाज के और व्यक्तिगत दोनों का वास्तविक रूप से भलाई हो सके, यह जो निर्देशन है वह शैक्षिक निर्देशन है। यानी शैक्षिक निर्देशन पाठ्य वस्तु का चयन करने, पाठ्य वस्तु के पाठ्य वस्तु को सही ढंग से नियोजित करने और अपने को ऐसी दशा में रखने ताकि उस निर्देशन से व्यक्ति तथा समाज दोनों को लाभ मिल सके, इस प्रकार की जो सहायता प्रदान की जाती है उसे हम शैक्षिक निर्देशन कहते हैं। तो हम लोगों ने इन तीनों के बारे में चर्चा किए थे। आज हम इस पर, इन तीनों के बारे में ये फोकस ज्यादा करेंगे कि जैसे ये व्यक्तिगत निर्देशन है तो व्यक्तिगत निर्देशन का उद्देश्य क्या है और व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता क्या है। इसी तरह व्यावसायिक निर्देशन के उद्देश्य क्या है और व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता क्या है। और इसी तरह
शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य क्या है और शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता क्या है, इस बिंदु पर हम ज्यादा फोकस आज की इस कक्षा में करना चाहेंगे। तो हम लिख देते हैं, व्यक्तिगत निर्देशन के उद्देश्य, व्यक्तिगत निर्देशन के क्या उद्देश्य हैं? तो व्यक्तिगत निर्देशन के उद्देश्य है कि सामाजिक, पहला उद्देश्य जो है वह है सामाजिक समंजनशीलता बढ़ाना, व्यक्ति को समाज में एडजस्ट करने योग्य, वह समाज में एडजस्ट हो सके, वह इसका पहला उद्देश्य है। तो सामाजिक, पहला है सामाजिक समंजनशीलता बढ़ाना, दूसरा है सूक्ष्म ग्राहिता बढ़ाना और तीसरा है जीवन लक्ष्यों को सुनिश्चित करना, यानी जीवन लक्ष्यों से जोड़ना, ये इसके तीन उद्देश्य मुख्य रूप से बताए गए। आपको याद हो गया होगा कौन कौन से उद्देश्य हैं व्यक्तिगत निर्देशन के। तो पहला उद्देश्य है सामाजिक समंजनशीलता बढ़ाना, दूसरा है सूक्ष्म ग्राहिता बढ़ाना और तीसरा है जीवन लक्ष्यों से अपने आप को जोड़ना, अपने विचारों को जोड़ना, ये। और दूसरी, इसकी आवश्यकता क्या है, जो व्यक्तिगत निर्देशन है व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता है विषय वस्तु के चयन के संबंध में, यानी क्या होगा, जो व्यक्तिगत निर्देशन है, व्यक्तिगत निर्देशन जो व्यक्ति देता है तो वह पहले क्या करता है कि जो व्यक्ति समस्या लेकर आता है उसके विचारों को जानना चाहता है कि उस क्या विचार है, इसकी क्या रुचि है। तो कहने का मतलब पहली जो आवश्यकता है कि उसके समंजनशीलता, जो क्या कहेंगे कि बालक जो है इसकी रुचि और क्षमता, उसकी रुचि और क्षमता क्या है, उसके अनुसार वह सही निर्देशन देना चाहेगा जो निर्देशन देने वाला व्यक्ति होगा, ताकि वह समंजनशील बन सके। तो समाज में समंजनशीलता बढ़ाने के लिए व्यक्ति के रुचियों एवं अभिक्षमताओं को समझना, और दूसरा है, दूसरी आवश्यकता इसकी है कि उसे सही रूप में आत्मनिर्देशन की ओर ले जाना, यह दूसरा उसका दूसरी उसकी आवश्यकता है कि व्यक्ति जो समस्याओं से ग्रसित है तो उसे बार बार किसी व्यक्ति के पास निर्देशन लेने न जाना पड़े, बल्कि वह स्वयं आत्मनिर्देशित हो जाए, ताकि वह समस्या का समाधान स्वयं करने में सक्षम हो सके। तो ये इसकी आवश्यकता है, इसलिए कि व्यक्ति समाज में समंजनशील हो सके, वह आत्मनिर्देशन की ओर ले जाए, और तीसरा है वह अपना निर्णय स्वयं ले सके, इस तरह के भाव को जगाना इसकी आवश्यकता है। अब दूसरी चीज है व्यावसायिक निर्देशन। व्यावसायिक निर्देशन की के उद्देश्य क्या है और उसकी आवश्यकता क्या है,
व्यावसायिक निर्देशन के उद्देश्य क्या है। व्यावसायिक निर्देशन के उद्देश्य हैं, जैसे पहला जो उद्देश्य है वह है व्यवसायों का चयन करना, किस व्यवसाय के का वह चयन करने लायक है इसको जानना, ये उसका उद्देश्य है। तो व्यवसाय का चयन करना, और दूसरा है कि व्यवसाय के लिए तैयारी करना, ये दूसरा उद्देश्य है। तीसरा है कि व्यवसाय के अपेक्षित परिणामों को सुनिश्चित करना, ये इसका तीसरा उद्देश्य। तो इस प्रकार व्यवसायिक निर्देशन के भी है कि व्यवसाय में पहला हो गया कि व्यवसाय का चयन करना, दूसरा हो गया कि व्यवसाय में के प्रति मतलब किस व्यवसाय है में उसकी रुचि है, अभी क्षमता है, उस व्यवसाय के अंतर्गत अपने को समंजित करना, और तीसरा है व्यवसाय के अपेक्षित परिणामों को सुनिश्चित करना, ये इसके उद्देश्य हैं। अब इसी तरह इसके इसकी इसकी भी आवश्यकताएं हैं, व्यवसायिक निर्देशन की आवश्यकताएं क्या है, तो अभी लिख देते हैं आपको। व्यवसायिक निर्देशन की आवश्यकताएं, आवश्यकताओं में भी यही बात है, जैसे व्यवसायों का चयन और व्यवसाय में अपेक्षित कुशलता लाना, और तीसरा द्वंद की परिस्थितियों, व्यवसाय में भी कंपटीशन की भावना है तो द्वंद एवं तनाव की परिस्थितियों से निपटारा कर सकना, ये इसका तीसरी आवश्यकता है। तो व्यवसायिक निर्देशन में भी क्या क्या मुख्य बातें हैं कि व्यक्ति व्यवसाय का चयन करता है, व्यवसाय में प्रवेश करता है, व्यवसाय के लिए तैयारी करता है, और व्यवसाय में जो द्वंद्वात्मक परिस्थिति आती है उसके साथ वह सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम होता है। तो ये हो गया व्यवसायिक निर्देशन, और अब है शैक्षिक निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य, शैक्षिक निर्देशन के क्या उद्देश्य हैं? तो शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य है पहला कि शैक्षिक व्यवस्थाओं का चयन कर सकना, किस व्यक्ति के लिए कैसी शैक्षिक व्यवस्था चाहिए उसके चयन में मदद मिलती है। तो पहला है शैक्षिक व्यवस्थाओं का चयन कर सकना। दूसरा उद्देश्य जो है वह है कि अधिगम के प्रभाव को यानी अधिगम की क्षमता को बढ़ाना, लर्निंग पावर बढ़ाना, ये दूसरा उसका उद्देश्य है। और तीसरा है शिक्षण के क्षेत्र से अपव्यय को कम करना, अपव्यय को कम करना। आप पढ़े होंगे पहले अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या ज्यादातर विद्यालयों में पाई जाती है, प्राथमिक विद्यालयों में, क्योंकि क्या होता है कि बिना शिक्षा पूरा किए कुछ बच्चे पहले ही कक्षा छोड़ के भाग जाते हैं, शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। अभिभावकों की कमजोरी, अभिभावकों की आर्थिक स्थिति की दयनीयता, इन कई कारणों से या कुछ न कुछ कारण से बहुत सारे बच्चे प्रवेश तो लेते हैं लेकिन बीच में ही विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं, प्राथमिक स्तर पर चले जाते हैं, फिर माध्यमिक स्तर पर जाते जाते और संख्या उनकी कम हो जाती है,
जितने बच्चे प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेते हैं उतने माध्यमिक विद्यालय में जान नहीं ले पाते, कम हो जाती है। उच्च विद्यालय में जाते जाते और कम हो जाती है, उच्चतर विद्यालय में और कम हो जाती है, उच्च स्तर के कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर और कम हो जाती है। तो कहने का मतलब ये भी इसका उद्देश्य है कि शिक्षण के क्षेत्र से अपव्यय को कम करना। तो ये तीन तरह के कौन कौन आपको याद हो गया होगा, इस आपका ये है कि शैक्षिक व्यवस्थाओं का चयन करना, दूसरा है अधिगम की अधिगम क्षमता को बढ़ाना, और तीसरा है शिक्षण के क्षेत्र से अपव्यय को कम करना। ये तीन इसके उद्देश्य हैं। और इसकी आवश्यकता क्या है, शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता क्या है, शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता, शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है कि शैक्षिक निर्देशन से विषय वस्तु या पाठ्यक्रम के चयन में मदद मिलती है, क्योंकि बच्चा बहुत सारा चीज नहीं जानता तो उसके कौन विषय ले, कौन सा पाठ्यक्रम ले, तो इसके चयन में मदद मिलती है। और दूसरा उसके जो निर्देशनकर्ता व्यक्ति है उसकी अभिक्षमता को रुचि को देख करके विषय का चयन कराता है तो क्या होता है, उसकी अधिगम क्षमता बढ़ जाती है, अधिगम क्षमता बढ़ जाती है। और तीसरा है कि जैसे विभिन्न प्रकार के शिक्षणेतर कार्यक्रमों का भी आयोजन क्रमबद्ध रूप से करा सकना, तो ये भी इसकी आवश्यकता है। तो कहने का मतलब कि शैक्षिक निर्देशन की भी तीन आवश्यकताएं मुख्य रूप से, जैसे हमने अभी बताया कि विषयों के चयन, पाठ्यक्रमों के चयन में मदद मिलना, दूसरा है अधिगम की प्रभाविता या अधिगम क्षमता को बढ़ाना, और तीसरा शिक्षणेतर कार्यक्रमों के आयोजन एवं उसमें सहभागिता को भी विकसित करना। तो ये तीन प्रकार के इसकी आवश्यकता भी है। तो पूरे हम लोगों ने जो चर्चा किया निर्देशन के बारे में, तो निर्देशन क्या है, निर्देशन की परिभाषाएं क्या हैं, और निर्देशन तीन तरह के होते हैं, और ये भी हमने बताया निर्देशन जो तीनों प्रकार की परिभाषाएं क्या हैं, और तीनों प्रकार के उद्देश्य क्या हैं, तीनों प्रकार के आवश्यकताएं क्या है। अब कुछ इसके सिद्धांत बताए गए, निर्देशन के सिद्धांत। निर्देशन के कुछ सिद्धांत बताए गए, क्रो और प्रो ने निर्देशन के कई सिद्धांतों की चर्चा की, जिसमें से कुछ की चर्चा हम अभी इस कक्षा में करना चाहेंगे कि निर्देशन के सिद्धांत में उन्होंने दिया अपना विचार दिया कि निर्देशन में निरंतरता का होना आवश्यक, निर्देशन में निरंतरता यानी टूट न हो, ये लगातार समयानुसार, यानी कि एक बार निर्देशन प्राप्त कर लिए इसके बाद कोई मतलब ही नहीं। तो कहने का मतलब निर्देशन में निरंतरता का होना, समय समय पर जब भी महसूस हो तो उस समय निर्देशन ले लेना चाहिए, तो निरंतरता का होना आवश्यक है पहला। और दूसरा है कि निर्देशन सेवाओं का विकेंद्रीकरण होना आवश्यक है, कई निर्देशन सेवाएं चलती हैं तो उन निर्देशन सेवाओं का विकेंद्रीकरण, क्या कहेंगे उसको, डिसेंट्रलाइज कराना, तो विकेंद्रीकरण होना आवश्यक है। निर्देशन
सेवाओं में समन्वय होना आवश्यक है। कई निर्देशन सेवाएं चलती हैं तो उसको उसका आपस में तालमेल हो, आपस में समन्वय हो, कोऑर्डिनेट हो, इस तरह का भाव होना चाहिए। और निर्देशन के लिए संसाधनों की, मैंने कहने का मतलब कि कम से कम संसाधनों में अधिक से अधिक निर्देशन सेवा उपलब्ध कराना, यह भी इसका मुख्य सिद्धांत है। यानी निर्देशन के जो जो हमारी सामग्री है, निर्देशन के लिए देने के लिए जो सामग्री है, संसाधन है, वो यानी कम से कम भी है, यानी कम से कम निर्देशन संसाधनों के प्रयोग द्वारा अधिक से अधिक निर्देशन सेवा उपलब्ध कराना, यह भी इसका क्या है, सिद्धांत है। और निर्देशन सामग्रियों का समुचित उपयोग कर पाना, यानी कि निर्देशन सामग्री पड़ी हुई है उसका उपयोग ही ना हो, तो उसका जितना अधिक से अधिक उपयोग हो सके, निर्देशन सामग्रियों का समुचित उपयोग हो सके, तो कई प्रकार के इसके सिद्धांत हुए कि कम से कम संसाधनों द्वारा अधिक से अधिक निर्देशन सेवा उपलब्ध कराना, निर्देशन संसाधनों का समुचित उपयोग करना, निरंतरता का होना, ये निर्देशन सेवाओं का भी केंद्रीकरण का होना, निर्देशन सेवाओं का आपस में समन्वय होना, तो इस तरह से इसके बहुत सारे सिद्धांतों के भी चर्चा इस निर्देशन के अंतर्गत की गई। अब एक कुछ बात आती है कि निर्देश कुछ संचयी अभिलेख, निर्देशन के अंतर्गत संचयी अभिलेख क्या होता है। संचयी अभिलेख, संचयी अभिलेख, देखिए पूरा डाटा जो संचय किया हुआ डाटा है, क्यूमुलेटिव जो डाटा है उसके बारे में, यानी इस तरह समझिए कि बालक जब विद्यालय में प्रवेश लेता है, यानी प्रवेश के समय से लेकर और बालक जब विद्यालय छोड़ता है, यानी विद्यालय छोड़ने की अवधि के बीच का जो लेखा जोखा है, वही संचयी अभिलेख कहलाता है। समझ गए होंगे क्या है संचयी अभिलेख। तो विद्यालय में प्रवेश लेते लेने के बाद से लेकर विद्यालय छोड़ने के बीच के पूरा लेखा जोखा को संचयी अभिलेख कहा जाता है। और इस संचयी अभिलेख का बहुत बड़ा महत्व है। संचयी अभिलेख का क्यों क्या महत्व है। संचयी अभिलेख का यह महत्व है कि संचयी अभिलेख के द्वारा बालक के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है, बालक के गुणों के बारे में, बालक के सीमाओं के बारे में, बालक की क्षमताओं के बारे में, बालक की रुचियों के बारे में, विभिन्न प्रकार की जानकारी इस संचयी अभिलेख के द्वारा प्राप्त हो जाती है। इसलिए संचयी अभिलेख की क्या आवश्यकता है। तो संचयी अभिलेख की आवश्यकता है कि शैक्षिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए और उसे बालकों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए, शैक्षिक जो अभिलेख है, संचयी जो अभिलेख है, वह क्या क्यों है कि शैक्षिक व्यवस्था बालक की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाए। दूसरा है कि पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को समय प्रयोजनबद्ध दृष्टि से लागू किया जाए, प्रयोजनबद्ध दृष्टि से पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को लागू किया जाए, यह दूसरा है। और तीसरा है कि इसके द्वारा जो व्यावसायिक निपुणता, पाठ्यक्रम में निपुणता और व्यावसायिक निपुणता विकसित किया जाए, शिक्षक शिक्षण करता है तो वह शिक्षण व्यवसाय में निपुण बन जाए,
बालक पाठ्यक्रम का चयन किया है उस पाठ्यक्रम को इतने विद्वत ढंग से समझ जाए कि उसमें निपुण बन जाए, तो पाठ्यक्रम या व्यवसाय कहिए दोनों में ही निपुणता का लाना यह संचयी अभिलेख के द्वारा संभव होता है। तो संचयी अभिलेख का भी बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। मूल्यांकन निर्देशन के अंतर्गत मूल्यांकन क्या होता है, तो मूल्यांकन भी जरूरी है। मूल्यांकन एक द्विमुखी प्रक्रिया है, अच्छाई भी बताती है और जो गिरावट आता है तो गिरावट भी बताती है दोनों तरफ, और क्षमता भी बताती है और क्षमता के अनुसार आप कितने नहीं जानते वो भी बताती है। तो उन्हें कहने का मतलब जो मूल्यांकन है द्विमुखी प्रक्रिया है। मूल्यांकन निश्चित मानदंडों पर आधारित होता है, मानदंड होते हैं मूल्यांकन के, वो तो मूल्यांकन निश्चित मानदंड पर आधारित होता है। और मानदंड क्या होता है, तो मानदंड के विविध आधार होते हैं, विविध आधार होते हैं। तो मूल्यांकन में अच्छाई अच्छा है या बुरा इस चीज का अनुभव हो जाता है निर्देशन में। जैसे देखिए एक मेन बात है कि जो निर्देशन देने वाला व्यक्ति है उसको बहुत सारी चीजों को जानकारी रखना जरूरी होता है। बालक जो समस्या लेकर आता है तो उसकी रुचि क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसकी समंजनशीलता क्या है, ये सारी चीजों को उसको उसे पहले समझना होता है और उसे विभिन्न विषयों की प्रकृति के बारे में नॉलेज रखना होता है, उसे विभिन्न व्यवसायों के बारे में नॉलेज रखना होता है, विभिन्न व्यवसायों के अभी क्षमता क्या चाहिए उसके बारे में नॉलेज रखना होता है। तो यदि वह सारी चीजों का नॉलेज रखता है तभी सही निर्देशन संभव हो पाता है। सही निर्देशन अगर ये नहीं है तो फिर सही निर्देशन नहीं हो पाए, क्योंकि कहावत है आप सुने होंगे कि जैसा प्राचार्य होता है वैसा ही विद्यालय होता है। तो कहने का मतलब जैसा निर्देशन करता होगा वैसा ही निर्देश प्राप्त करने वाला व्यक्ति हो पाएगा। तो इसलिए निर्देशन देने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें विभिन्न चीजों की विस्तृत और ज्ञानवर्धक जानकारी होनी चाहिए और तभी वह सही निर्देशन अपने निर्देशन प्राप्तकर्ताओं को दे सके। इस प्रकार पूरी कक्षा को संक्षेपण करने पर, निर्देशन के टॉपिक पर पूरी चर्चा करने पर यह स्पष्ट है कि निर्देशन क्या है, तो निर्देशन वह है जो व्यक्ति को आत्मनिर्देशन की ओर ले जाए। कहता है क्रो और क्रो ने परिभाषा दिया था कि निर्देशन देना नहीं, दूसरों को निर्णय करने की अपेक्षा स्वयं निर्णय कर देना नहीं, दूसरों का बोझ ढोना नहीं, बल्कि उस व्यक्ति में ऐसी अभिक्षमता भर दिया जाए, उस व्यक्ति को इस योग्य बना दिया जाए कि वह सभी परिस्थितियों में अपना निर्णय स्वयं कर सकने में सक्षम हो सके। यह है असली निर्देशन। यानी सरले हेमरी ने भी कहा था कि व्यक्ति को अपने आप को पहचानने में मदद करना ही असली निर्देशन, व्यक्ति स्वयं को अपने आप को पहचाने ताकि वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके, यह है निर्देशन। तो बहुत सारे विद्वानों ने, ट्रेक्सलर ने भी कहा कि निर्देशन में क्या हो, तो रुचियों के अनुसार व्यक्ति समाज में समंजित हो सके, समाज में एडजस्ट कर सके और हर प्रकार से वह अपनी क्षमता को अभिवृद्ध कर सके ताकि वह अपने समस्त परिस्थितियों में अपनी समस्याओं का निवारण स्वयं कर सके, यह है निर्देशन। और निर्देशन में हमने यह भी चर्चा किया था कि ये तीन तरह के होते हैं, व्यक्तिगत निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन और शैक्षिक निर्देशन। व्यक्तिगत में व्यक्ति को इस योग्य बनाना कि वह समाज में समंजनशील बन सके, व्यावसायिक निर्देशन में है कि व्यवसाय की सारी क्रियाकलापों को समझ सके, व्यवसाय का चयन कर सके, उसमें प्रवेश कर सके, उसमें कुशलता ला सके,
और शैक्षिक निर्देशन में विषय वस्तु का चयन कर सके, विषय वस्तु अपने अधिगम क्षमता को बढ़ा सके, शिक्षण से अपव्यय कम कर सके। इस सारी चर्चाओं को हमने तीनों के आवश्यकता क्या है, तीनों के उद्देश्य क्या है, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। अब शैक्षिक ये आपके निर्देशन के कुछ सिद्धांत भी हमने बताया कि निर्देशन सेवाएं बहुत चल रही हैं तो उसमें आपसी समन्वय होना जरूरी है, निर्देशन सेवाओं का भी केंद्रीकरण होना जरूरी है, निर्देशन के लिए क्या कहें निरंतरता का होना जरूरी है, निर्देशन के लिए आवश्यक संसाधनों का होना जरूरी है, निर्देशन के लिए कम से कम संसाधनों में अधिक से अधिक निर्देशन सेवा उपलब्ध कराना जरूरी है और संसाधनों का समुचित उपयोग जरूरी है। इस प्रकार से हम लोगों ने इसके क्या कहेंगे निर्देशन सेवा के सिद्धांत की भी चर्चा की, निर्देशन के अंतर्गत हम लोग संचयी अभिलेख की भी चर्चा की, जैसे बालक का संचयी अभिलेख के बारे में कि विद्यालय में दाखिला लेता है और जब विद्यालय छोड़ता है उसके बीच का पूरा लेखा जोखा का रिकॉर्ड विद्यालय तैयार करता है, उसे हम संचयी अभिलेख कहते हैं। इससे बालक की रुचियों का पता लगता है, बालक की क्षमताओं का पता लगता है, बालक की सीमाओं का पता लगता है, उसके आधार पर हम उसके बारे में बहुत सारे निर्णय ले लेते हैं। तो संचयी अभिलेख भी जरूरी है और इसकी संचयी अभिलेख की क्या आवश्यकता है, तो संचयी अभिलेख की आवश्यकता है कि बालक की आवश्यकता के अनुरूप शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए और इसमें जो है कि पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को भी क्रमबद्ध रूप से लागू किया जाए। और भी इसमें है कि जो क्या कहेंगे व्यवसाय के प्रति इसमें व्यवसाय के प्रति रुचि विकसित किया जाए, तो इसकी संचय अभिलेख का भी महत्व है। इसमें मूल्यांकन का भी हमने बताया कि मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन द्विपक्षीय प्रक्रिया है, क्या अच्छा है क्या बुरा है इसके भाव समझ में आते हैं मूल्यांकन द्वारा। और मूल्यांकन में बहुत सारी चीज़ों का हमने बताया कि आधार इसके क्या होते हैं, मूल्यांकन में मानदंड निश्चित होते हैं और मानदंड के आधार पर मूल्यांकन होता है और मानदंड के विविध आधार होते हैं, तो मूल्यांकन भाग का भी इसमें निर्देशन के अंतर्गत अपना एक अहम रोल है। इस प्रकार निर्देशन जो है अगर विद्यालय में यह दिया जाता है तो निर्देशन देने वाले को बोधक कहते हैं और निर्देशन एक प्रकार की विशिष्ट सेवा है, स्पेशलाइज्ड सर्विस है और निर्देशन के द्वारा यह बताया बालक को इस योग्य बनाया जाता है कि वह अपना निर्णय स्वयं ले सके। इसलिए निर्देशन पर की सारी चर्चाओं को हम लोगों ने पिछले क्लास में भी चर्चा किया, आज भी इस पर विधिवत चर्चा किया, एक कक्षा और लेंगे इसके अंतर्गत। अभी उपबोधक क्या कहलाते हैं या निर्देशन और उपबोधन दो शब्द आते हैं उसमें क्या अंतर होते हैं, इन सब बातों का अध्ययन हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। आज हम लोग यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।